ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देश भर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर प्रवेश प्रक्रिया में देरी से निवासी डॉक्टरों पर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। इससे पहले सेंट्रल मार्ट के आह्वान पर निवासी डॉक्टरों ने आंदोलन किया था, साथ ही सरकार से जल्द प्रक्रिया कराने की मांग की थी। सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने से राज्य भर के निवासी डॉक्टरों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। इस दौरान निवासी डॉक्टर ओपीडी में सेवा नहीं देंगे। मेडिकल पाठ्यक्रम के स्नातकोत्तर में प्रवेश लेने के लिए नीट पीजी परीक्षा ली जाती है। इस वर्ष प्रवेश प्रक्रिया में देरी की वजह से नए प्रवेश नहीं हो सके, जिससे निवासी डॉक्टरों पर काम का दबाव बढ़ गया है। प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग को लेकर सोमवार से मेयो और मेडिकल के निवासी डॉक्टरों ने ओपीडी में अपनी सेवा देना बंद कर दिया। डॉक्टरों ने बताया कि इस वर्ष यह परीक्षा पहले जनवरी में ही ली जानी थी, लेकिन उसे आगे बढ़ाकर मई और फिर बाद में 12 अगस्त कर दिया गया। करीबन 8 महीने परीक्षा में देरी होने के बाद सितंबर में ऑल इंडिया काउंसलिंग होने वाली थी, लेकिन आरक्षण विषयक याचिकाओं की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने प्रवेश प्रक्रिया पर 6 जनवरी 2022 तक रोक लगा दी है। नीट पीजी की प्रक्रिया में रोक होने से नए डॉक्टर अब तक मेडिकल कॉलेज में नहीं आए हैं। निवासी डॉक्टरों के राज्यव्यापी काम बंद आंदोलन से मरीजों की परेशानी बढ़ गई। मेडिकल और मेयो में निवासी डॉक्टरों ने ओपीडी में काम नहीं किया, जबकि वार्ड और इमरजेंसी सेवा जारी रखी है। आम्ही नीट काउन्सिलिंग लवकर आणि जलद गतीने होण्यासाठी या मागण्यासाठी आम्ही सध्या ओपीडी सर्व्हिसेसमधून आम्ही आमचं ओपीडी सर्व्हिसेस रेसिडेंट डॉक्टरच्या बंद केलेल्या आहेत। सध्या जी नीट पीजीची एक्झाम होती मार्चमध्ये जी होणार होती ती सप्टेंबरमध्ये झाली, त्याचा रिझल्ट ऑक्टोबरमध्ये लागला। त्याच्यानंतरही एवढा दिवस होऊनही नीटची काउन्सिलिंग झाली नाही। त्यानंतरही जेव्हा कोर्टमध्ये केस दाखल करण्यात आली, त्यानंतर असं लक्षात येतं आहे की या जी काही प्रोसिजर आहे त्याला दिवसेंदिवस डिले करण्यात येत आहे। जी काही प्रोसिजर असते काउन्सिलिंगच्या प्रोसिजरमध्ये जी काही क्रायटेरिया जे डिसाईड व्हायला पाहिजे ते एक्झामच्या अगोदर व्हायला पाहिजे तसं पाहायला गेलं तर, परंतु हे जे काही आहे सिस्टीमकडून जी काही डिले होत आहे त्याला आमचा विरोध आहे। सध्या जे रेसिडेंट डॉक्टर्स 3 JR आणि JR च्या बॅच सध्या काम करायला हव्या होत्या, ते सध्या 2 JR च्या बॅच काम करतात, म्हणजे 2/3 एवढेच फक्त रेसिडेंट डॉक्टर सध्या काम करतात। त्याच्यामुळे जे रेसिडेंट डॉक्टर काम करत आहेत त्यांच्यावरतीही दबाव कामाचा ताण वाढलेला आहे। याच्यामुळे कोविड जे काही पेशंट आहेत पेशंट केअर पण सध्या अफेक्ट होते आहे। यातच 3री लाटची कोविडची जी येणार आहे त्याची अपेक्षित आहे, आणि अशा वेळेस जेव्हा रेसिडेंट डॉक्टरची कमी राहणार तेव्हा सरकारकडे ऑप्शन आहेत का खरोखर याची पण लक्षात घेतलं पाहिजे। आता रेसिडेंट डॉक्टर काम करण्यासाठी आम्ही तयार आहोत की अजूनही म्हणजे इतक्या दिवस आम्ही काम केलेलं आहे आणि आम्हाला कोणताही इंटरेस्ट नाही की पेशंटची सर्व्हिसेस आमच्या याच्यावरती ताण पडला पाहिजे किंवा पेशंटची गैरसोय झाली पाहिजे। परंतु जेव्हा आम्ही लक्षात घेतो की या कमी रेसिडेंट डॉक्टरमध्ये काम करून जेव्हा पेशंटची गैरसोय होते आहे तर आम्ही अशा वेळेस ॲडमिशनला सुप्रीम कोर्टला आणि गव्हर्नमेंटला अशी मागणी करणार जी काही प्रोसेस आहे काउन्सिलिंगची ती जलद गतीने करायची।